हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान। सब्जेक्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द चैप्टर 6 इज बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक दैट इज कंप्यूटर कोड्स, एंड दिस इज पार्ट 4। और पार्ट 3 में भी हमने कंप्यूटर कोड्स किए थे, जो रिमेनिंग है वो आज हम कवर करेंगे। अगर आप इससे रिलेटेड चैप्टर 6 से रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो पहले किए थे वो, तो जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने BCD कोड कंप्लीट कर लिया था, ग्रे कोड कर लिया था और एक्सेस 3 कोड किया था। तो जो बाकी रिमेनिंग 3 है वो आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, द कोड्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड अल्फाबेटिक करेक्टर। वो कोड्स जो जिन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो नंबर है और अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है उन्हें रिप्रेजेंट कर सके। तो जैसे लेटर्स है, लेटर्स को हम बोल सकते हैं कि वो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन डिजिटल सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू हैंडल डेटा दैट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल। तो काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब डिजिटल सिस्टम को ज़रूरत होती है कि वो हैंडल कर सके डेटा जो जिसमें नंबर भी हो, लेटर्स भी हो, स्पेशल सिंबल्स भी हो। इफ़ वी यूज़ एन एन बिट बाइनरी कोड, अगर हम एन बिट बाइनरी कोड यूज़ करेंगे तो वी कैन रिप्रेजेंट 2 की पावर n एलिमेंट्स यूजिंग दिस कोड। तो इस कोड को यूज़ करते हुए हम 2 की पावर n एलिमेंट्स जो हैं उनको, सो टू रिप्रेजेंट 10 डिजिट, अगर हमने 10 डिजिट को रिप्रेजेंट करना तो 0 से 9 उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 26 अल्फ़ाबेट A to Z इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। वी नीड अ मिनिमम ऑफ 6 बिट्स, तो हमें मिनिमम 6 बिट्स की ज़रूरत होती है ताकि 2 की पावर 6, तो 24 कोड्स जो हैं हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकें। बट देयर इज़ अ नीड टू रिप्रेजेंट मोर देन 64 करेक्टर इंक्लूडिंग लोअर केस लेटर, स्पेशल सिंबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। बट हमें ज़रूरत है कि वो 64 करेक्टर से भी ज़्यादा, मतलब कि करेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकें उनमें। मतलब जैसे ये तो हमारे पास कैपिटल लेटर थे, अपर केस लेटर थे, हमने लोअर केस लेटर्स को भी इंक्लूड करना है, स्पेशल सिंबल्स को भी इंक्लूड करना है। तो फॉर दिस रीज़न उसके लिए हम नॉर्मली जो अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज़ करते हैं, तो ये है पहला ASCII। ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है ASCII। और सेकंड हमारे पास है AEBCDIC, तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल। देखो BCD हमने किया था वही है, बस इसके साथ ई लगा है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये देखते हैं हम, सबसे पहले ASCII कोड। तो इट इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये, एंड इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ कोड। तो सबसे ज़्यादा मतलब कि इसे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास 7-bit कोड होता है, तो इसे हम 2 की पावर 7 128 करेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस कोड, इन विच डेसिमल डिजिट आर रिप्रेजेंटेड बाय द 8421 कोड प्रसीडेड बाय 011। तो जो हमारे पास डेसिमल डिजिट है उनको हम 8421 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ये देखो हमारे पास ये करेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे 01 से लेकर फिर हमारे 9 तक है, 9 के बाद हमारे पास ABC, कैपिटल ABC आ गया। तो ये हमारा जोन है, इसे प्रोसीड कर रहा है 8421। तो 8421 का मतलब 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो जब हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 8421 बन जाता है। तो उसी तरह ये होता है, बाइनरी को हम इस तरह लिखते हैं। और हेक्साडेसिमल इसका इक्विवेलेंट है, जैसे 30 आ जाता है, 30 से स्टार्ट होता है, 31 32, ठीक है, ऐसे ये चलता जाता है। तो ये हमारे पास जी तक था। तो पहले देखो जो 9 है, 9 के लिए हमारे पास जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनके लिए जोन है 011, और जो कैपिटल लेटर्स अपर केस है उसके लिए जोन हमारे पास 100 है। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जे से लेकर जेड तक, वही है। तो पी तक हमारे पास 100 है, पी के बाद हमारे पास क्या है 101 स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह हेक्साडेसिमल नंबर भी हमारे पास यहाँ पर इक्विवेलेंट चेंज होते रहते हैं। सेकंड है हमारा EBCDIC कोड, अनदर वाइडली यूज्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो दिस कोड इज 8-bit कोड। जैसे पहला वाला हमारा
पहला वाला हमारा 7-bit कोड था, ये हमारा 8-bit कोड है। इसमें हम 256 करेक्टर्स जो हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोड इन विच डेसिमल डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हम 8421 कोड, और इसमें जैसे वो प्रोसीड कर रहा था 011, यहाँ पर हम फोर टाइम वन के साथ प्रोसीड करेंगे इनको 8421 को। बोथ लोअर केस एंड अपर केस लेटर आर रिप्रेजेंटेड इन एडिशन टू अदर सिंबल एंड कमांड्स। इसमें हमारे पास अपर केस लेटर भी आ जाएंगे, लोअर केस लेटर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, और भी काफ़ी सारी कमांड्स आ जाएंगी। जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है, टेबल है सॉरी, ए से लेकर जेड तक हो गया। उसके बाद हमारे पास देखो 0 से 9 तक है, तो इनके ये मतलब इनका ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। जोन देखो, यहाँ से ये हमारा जोन है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड। तो पहला हमारा अल्फा न्यूमेरिक कोड था, सेकंड है वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड। तो वेटेड कोड में क्या होता है, इज अ कोड इन विच ईच एंड एवरी डिजिट इज हैविंग अ फिक्स्ड वेट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन। तो इसमें जो भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं उनका फिक्स वेट होता है, ठीक है। जैसे 8421 कोड हो गया, 5211 कोड हो गया, 242 कोड हो गया, ये कोड जैसे ये है हमारे पास डेसिमल, तो 8421 में ये हमारे पास कोड होंगे, 5211 में ये होंगे। तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास फिक्स कोड होते हैं। नॉन वेटेड कोड में क्या होता है, ये कोड होता है जिसमें ईच एंड एवरी डिजिट इज नॉट हैविंग अ फिक्स वेट। तो उसका कोई फिक्स वेट नहीं होता। जैसे हमने ग्रे कोड किया है, एक्सेस 3 कोड किए हैं, वो हमारे नॉन वेटेड कोड हैं, और ये वाले हमारे क्या हैं, वेटेड कोड हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिकोड। तो यूनिकोड प्रोवाइड्स अ यूनिक नंबर फॉर एवरी करेक्टर, नो मैटर व्हाट द प्लेटफॉर्म, नो मैटर व्हाट द प्रोग्राम एंड नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज। जो यूनिकोड है वो हमें यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है हर एक करेक्टर के लिए। उसके लिए ना तो प्लेटफॉर्म मैटर करता है, ना ही प्रोग्राम मैटर करता है, ना ही कोई लैंग्वेज मैटर करती है। टिल नाउ वी हैव एज्यूम्ड दैट अ लेटर मैप्स टू सेम बिट्स विच यू कैन स्टोर इन मेमोरी और डिस्क। तो जो इसमें हम इज्यूम कर सकते हैं कि जो भी लेटर मैप होगा सेम बिट के साथ, वो क्या होगा, या तो वो स्टोर होगा मेमोरी में या फिर डिस्क में स्टोर हो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लेटर बी, तो जो हमारा इंग्लिश का लेटर है बी, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन यूनिकोड अ लेटर मैप्स टू समथिंग कॉल्ड अ कोड पॉइंट। तो जो यूनिकोड होता है उसमें जो लेटर होता है वो मैप करता है किसी चीज़ से, उसे हम बोलते हैं कोड पॉइंट। तो कोड पॉइंट के साथ वो मैप होता है। यूनिकोड कवर ऑलमोस्ट ऑल स्क्रिप्ट इन करंट यूज टुडे। तो ये मतलब कि ऑलमोस्ट सारे जो स्क्रिप्ट हैं उन्हें कवर करता है। द यूनिकोड स्टैंडर्ड इज एन करेक्टर कोडिंग सिस्टम डिज़ाइन टू सपोर्ट द वर्ल्ड वाइड इंटरचेंज। तो वर्ल्ड वाइड में जब हमने इंटरचेंज करना हो, ठीक है, प्रोसेसिंग करनी हो, डिस्प्ले करना हो किसी टेक्स्ट को, जो रिटन टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूनिकोड को यूज़ करते हैं। ऑफ द डाइवर्स लैंग्वेज, कोई भी हमारी लैंग्वेज हो सकती है, एंड टेक्निकल डिसिप्लिनस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। द लेटेस्ट जो वर्जन है वो है 600। द यूनिकोड स्टैंडर्ड हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो यूनिकोड स्टैंडर्ड जो है ये पूरा वर्ल्ड वाइड है। तो इसे किस किस इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया हुआ है, पहला एप्पल, HP, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, तो इनके नाम आपने मोस्टली सुने हैं। तो ये सारे जो हैं वो यूनिकोड स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो जैसे एप्लीकेशंस क्या है यूनिकोड की, इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो SQL होता है हमारा डेटाबेस से रिलेटेड, मतलब कि उसमें ये यूज़ किए जाते हैं। इट सपोर्ट्स द ईमेल ब्राउज़र, मतलब कि ये जो ईमेल ब्राउज़र है उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जैसे याहू है, गूगल है, जीमेल है, माइक्रोसॉफ्ट स्कीम है, इनके द्वारा इसे क्या सपोर्ट किया जाता है। थर्ड है यूनिकोड हैज़ बिकम द वाइटल स्कीम फॉर इंटरनल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट है उसकी स्टोरेज के लिए और जो उसकी प्रोसेसिंग है उसके लिए वाइटल स्कीम है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे पास विंडो NT है, यूजेस यूनिकोड, वो यूनिकोड को यूज़ करते हैं एज अ सॉल इंटरनल करेक्टर एंड कोडिंग के लिए। तो फोर्थ है फॉन्ट्स लाइक ट्रू टाइप एंड ओपन टाइप सपोर्ट यूनिकोड। तो जैसे हमारे पास फॉन्ट्स है ट्रू टाइप और ओपन टाइप, ये सपोर्ट किए जाते हैं यूनिकोड के द्वारा।
तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई अपडेट्स देख सकें।